नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नोविल्स में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन सार और यहाँ पे लेके आऊँ आज आपके लिए डेली डोज। और आशा करता हूँ आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके सब फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। तो चलिए अब पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के इस डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा प्रीवियस डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पर आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करेंगे कि ये नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से और यहाँ पे ये लेके आ गए हैं जियो मार्ट और यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रोसरीज। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो ये अभी आपको तीन रीजन में देखने मिलेगी, नवी मुंबई, थाने और कल्याण में। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको 50,000 से ज्यादा ग्रोसरी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी, नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको 3,000 रुपए तक ऑफ मिल रहे हैं अगर आप प्री रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रिटर्न पॉलिसी के तहत और यहाँ पर एक्सप्रेस डिलीवरी आपको मिलने वाली है। तो रिलायंस जियो की तरफ से जियो मार्ट आ चुका है और जल्दी ये आपको और सिटीज में और जगह देखने को मिल जाएगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप रिलायंस जियो मार्ट को यूज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग के आने वाले गैलेक्सी M21 से और बोले जा रहे हैं कि ये जल्दी आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको M11 और M31 भी देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको बहुत सारे कलर चॉइस मिलने वाले हैं और यहाँ पे पहले से आपको बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो आप देखते हैं किस प्रकार से ये तीनों स्मार्टफोन आते हैं, क्या ओवरऑल फीचर देखने मिलते हैं, कितने नए नए कलर देखने मिलते हैं और क्या प्राइसिंग निकल के आती है। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है एक लीक से और ये लीक बोलती है कि एप्पल की आने वाली है वॉच सीरीज 5 और इसके अंदर आपको पहली बार देखने मिलेगी रेड वाली वॉच, यानी प्रोडक्ट रेड के तहत आपको वॉच देखने मिलेगी। और यहाँ पे मैक जनरेशन ने बताया कि कुछ इस प्रकार से आपको ये वॉच सीरीज 5 देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप देखेंगे तो लुक वाइज अच्छी लग रही है और लग रहा है कि पहले से बेहतर मिलेगी। साथ ही साथ एक ट्विटर यूजर ने बताया कि कुछ इस प्रकार से आपको वॉच सीरीज 5 रेड कलर में मिलने वाली है, तो आप यहाँ रेड कलर में भी देख सकते हैं और बहुत ही किलर लग रही है। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप वॉच सीरीज 5 को रेड कलर में लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है WhatsApp की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन डिवाइसेस के अंदर अब आपको WhatsApp का सपोर्ट देखने मिलेगा और अगर आपका डिवाइस इन वर्जन पे नहीं है तो यहाँ पे अब आप WhatsApp यूज नहीं कर पाएंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपका मोबाइल सपोर्ट करता है इन वर्जन को और क्या आप WhatsApp पसंद करते हैं या फिर अदर सोशल मीडिया आपको यूज करना पसंद है। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है BSNL की तरफ से और यहाँ पे लेके आए हैं लिमिटेड पीरियड के लिए ब्रॉडबैंड प्लान। ये आपको देखने में मिलेंगे 299 के, जिसके अंदर आपको 50 GB हाई स्पीड डाटा मिल जाएगा और यहाँ आपको 20 MBPS की स्पीड मिलेगी। यहाँ पे बात करें सेकंड प्लान की, तो ये है 491 का और इसके तहत आपको मिलेंगे 120 GB हाई स्पीड डाटा और ये यहाँ पे भी आपको 20 MBPS स्पीड मिलने वाली है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो अदर बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर ये आपको मार्च 25 तक मिलेंगे। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इन ब्रॉडबैंड प्लान को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, ये आ रही है सैमसंग की तरफ से और यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं इनका गैलेक्सी नोट 9, तो यहाँ पर आ चुका है एंड्रॉइड 10, वो भी स्टेबल वेरिएंट और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें मिलने वाली है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे अपने नोट 9 के अंदर एंड्रॉइड 10 का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है महिंद्रा की तरफ से और यहाँ पे इनकी लीक हो चुकी है TUV 300 और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से इसका लुक देखने मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको नया ग्रिल मिल रहा है, हेडलैम्प भी अलग देख रहे हैं और बम्पर भी आपको अलग देखने मिल रहा है, तो फ्रंट फेसिंग आपको नई मिलेगी और यहाँ साइड लुक और बैक लुक वैसे वैसे ही लग रहा है। बात करें इंटीरियर की, तो अभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो वेट करते हैं देखते क्या होता है और किस प्रकार से नई TUV 300 देखने को मिलती है। बात करें फाइनल डेली डोज की, तो ये आ रही है डेटसन की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने ट्रेडमार्क करवाया है मैग्नाइट नाम को और बोले जा रहा है कि ये इनकी आने वाली कॉम्पैक्ट SUV है जो कि आपको जल्दी देखने मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सारी डिटेल भी मालूम पड़ सकते हैं। तो आप देखते हैं किस प्रकार से ये नई कॉम्पैक्ट SUV आती है, क्या ओवरऑल फीचर देखने मिलते हैं, क्या लुक होता है और क्या प्राइसिंग रखी जाती है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप डेटसन की आने वाली इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे,
तो कमेंट कीजिए और बताइए, साथ ही साथ बताइए कैसे लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इसे फैलाइए और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूँ इसमें अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।